श्रमिक पंजीयन योजना, इसे श्रम कार्ड भी बोलते हैं और श्रमिक कार्ड भी बोलते हैं, जॉब कार्ड और बैंक पासबुक, आधार और फोटो और दो लोगों का आधार नामनी के नाम पे लगता है और ये बन जाने के बाद आपको 16 प्रकार के लाभ मिलते हैं। ये सन निमार्कम कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना 2009 से चल रहा है और हर जिले में श्रम प्रवर्धन अधिकारी हैं जिसको संचालित करते हैं। श्रमिक पंजीयन कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है श्रम कार्ड, इसे आप सभी जितने भी मजदूर भाई हैं कहीं भी मजदूरी करते हुए श्रम कार्ड बनवाना अनिवार्य है। यदि बनवाते हैं तो आपको 16 प्रकार के फायदे हैं, जिसमें बच्चा बीमार होगा तब मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाए तो 5 लाख है, बीमार हो जाए, किडनी कैंसर टीबी ट्यूमर हो जाए उसकी दवा कराने के लिए पैसे मिल सकते हैं, बिटिया की शादी करना हो तो उसमें पैसा 55,000 रुपये मिल सकता है, बच्चे पढ़ते हो तो रविदास शिक्षा सहायता योजना से कक्षा 5 से लेकर के डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तक इसका लाभ ले सकते हैं। श्रम कार्ड यही है और इस श्रम कार्ड जो आपको इस तरह से बनकर मिलेगा उत्तर प्रदेश भवन एवं सन निर्माण कर्म कार्ड कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे पहचान पत्र आपको मिलेगा। यह पहचान पत्र प्रत्येक मजदूर को बनाना अनिवार्य है, तो आप सभी भाइयों से निवेदन है अपना मजदूर कार्ड बनवा लें। ये सरकार के पोर्टल पर BOCW पर आपको पूरी योजना की जानकारी मिल जाएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा योजना की जानकारी लेनी है तो श्रमिक पंजीयन योजना आप सर्च करें और इस तरह से सभी भाइयों को, यह 2009 से संचालित योजना है जिसमें 13 योजनाओं का लाभ एक साथ ले सकते हैं। आपकी उम्र हो जाएगी 60 साल तो आप इसमें 1,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा। इसके लिए आपको कहीं भी किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वही ऑनलाइन सेंटर पर ऑनलाइन करा लीजिए और ये श्रम कार्ड बन जाने से आपको 13 प्रकार के फायदे हैं। बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे उसमें भी आपको सहयोग मिलेगा, आपका एक्सीडेंट हो जाए उसमें भी मिलेगा। ये श्रमिक पंजीयन बनाना बहुत ही जरूरी है। इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप कहीं नजदीकी जन सेवा केंद्र से अवश्य बनाएं और इसका लाभ उठाएं। आप खुद इस योजना की जानकारी, जिसमें बच्चा पैदा होता है तो बच्चों को बालिका मदद योजना है, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना है, अटल आवासीय विद्यालय है जिसमें निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाएगा, आवासीय विद्यालय योजना है, तकनीकी सहायता योजना है, कन्या विवाह योजना है, शौचालय बनाने की योजना है, आपदा में पेंशन योजना है और 60 साल उम्र होने पर पेंशन आपको मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है।